पंगा पड़ गया यार। एक मैंने एक्चुअली वीडियो इस फोन से बना रहा था, मेरा फ़ोन वहीं रह गया और हम बहुत दूर तक निकल चुके थे। मैं वापस आया हूँ अब, इसमें देखते हैं मिलता नहीं मिलता फ़ोन। आज पहला दिन होगा जब मैं ऐसे उठाऊँ इतनी जल्दी, क्योंकि वाटर पार्क जाना है। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बस अभी आया हूँ, पता ही आपको क्या करने आया हूँ। तो उसके बाद निकलते हैं फिर हम आज वाटर पार्क के लिए। जल्दी उठ गया था तभी मैं, और बाकी अब सारी की सारी वीडियो बनाते हैं वाटर पार्क में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो सीधा बनाते हैं वाटर पार्क में, निकलते हैं बस यहाँ से, पी के अपना जूस फिर निकलते हैं। पता नहीं यार मुझे सुबह सुबह जूस पीना इतना अच्छा क्यों लगता है। मैं दो गिलास इसलिए पीता हूँ, ये अपने इंडिया के एक गिलास के मुकाबले में ये दो हैं। चलो निकलते हैं अब। मेरा है SDV _ साहिब। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। भैया यूट्यूब पूछ रहे थे क्या वीडियो बनाते हो, किस पे बनाते हो। मैंने बता के आया था चैनल का नाम और खुद ही सब्सक्राइब भी करके आया था। तो चलो बस भाई, अब लेट हो रहे हैं ज़्यादा, चलते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लग रही है भाई, मौसम देखो भाई, बदल बुलाए पे बदल। चलो निकलते हैं यहाँ से। हम पहुंच गए हैं वाटर पार्क। यार आज तो भीड़ ही बहुत है, संडे है ना, आज तो पब्लिक भरी पड़ी है। हमने सोचा हम जल्दी आएंगे, ये तो हमसे भी पहले लाइन लगी हुई है, खत्म ही नहीं हो रही है यहाँ तो। यार नंबर ही नहीं आएगा यार। मुझे ये नहीं पता था कि आज इतनी भीड़ होगी यार, इतनी ज़्यादा। हम लाइन में लगे हुए हैं अभी भी यार, और कल की टिकट ले रखी है बस बैंड लेने के लिए, हम लाइन में लगे हैं भाई। आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी तरह एंट्री कर ली हमने यहाँ से। और ये कुछ यूनिक सा मिला, पिछली बार ना नियोन कलर का बैंड मिला था, इस बार ये मिला है, ये भी बढ़िया लग रहा है। और चलो अब लॉकर में रखते हैं बस टी शर्ट और चप्पलें, फिर घुस जाएंगे अंदर, और तो लाइनें बहुत लंबी होंगी यार। हमारा ये हो गया है, ये वाला लॉकर है, अब निकल रहा हूँ यहाँ से भाई। ये लिए दो, पहले आते थे ये 50 दिरहम के, अब 75 दिरहम के कर दिए भाई, लेकिन मजबूरी है लेने पड़ेंगे, मैं लेकिन आए ये घर पे रखे थे। जो ये आप मोनोरेल देख रहे हो ना, ये पार्क के अंदर तक आती है और यहीं से ही इधर को निकल जाती है। तो भाई अब आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, मेरा गला ऐसे ही होगा, ठीक है। एंट्री कर ली है, बस सॉक्स रह गई हैं टूटने के लिए, सॉक्स जैसी मिलती है तब चलते हैं। ये हमने सेफ्टी के लिए लिया है, क्योंकि पानी में तो जाएंगे, हाथ फ्री होने चाहिए। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटर पार्क है। पहले इनका ना सॉक्स का काउंटर आगे ही होता था, लेकिन अब बहुत स्टार्टिंग में मतलब आगे जाके बना दिया, तो भाई नंगे पाँव सॉक्स ले लिए। अब एडवेंचर शुरू। ये मैंने आप सबको दिखाने के लिए उठा लिया था, देखो ये इतना बड़ा है वाटर पार्क। अभी मैं इस जगह बैठा हूँ, ये मोनोरेल है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये खड़ी हुई अभी, अच्छा ये खड़ी हुई है, देखो ये मोनोरेल है। अभी हम यहाँ पे हैं, ये देखो इस साइड भी वाटर पार्क है, ये सारा वाटर पार्क है। ये बंदा एक्चुअल में हफ्ते में भी नहीं घूम सकता। तो भाई ये थोड़ी सेफ्टी बांधी हुई है कि अगर मैं पानी में जाऊँगा, जंप लगाऊंगा, कोई स्लाइड करूंगा ना, तो गिरे ना, और फ़ोन पूरा सेफ है, ठीक है। तो चलो चलते हैं एडवेंचर करने के लिए। मुझे लगता नहीं हम शाम से पहले फ्री हो पाएंगे यहाँ से। और यार मेरे को लग रहा है मैंने ना एक गलत डाल दिया इसका, ये फ्रंट वाला आगे को आ रहा है, बस ठीक है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बस चलने दो। और हाँ एक आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आज के व्लॉग में मेरी आवाज़ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि यार मुझे भी नहीं पता आवाज़ आएगी नहीं आएगी। अब ये पानी में ही जाएगा, पानी में जाने के बाद यार मेरी हालत कैसी होती है, मैं बोलता रहूँगा बताता रहूँगा आपको सब कुछ, लेकिन आएगी नहीं आएगी मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते रहना। चलो भाई सॉक्स पहन लिए, अब निकलते हैं यहाँ से भाई। फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक गुब्बारे से बलून से लेके इसमें बैठना है, ठीक है भाई। बैठ गया, बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ। अब ये ना लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, अभी नीचे स्लाइड होगी ना वो आएगा मज़ा। अब ये पीक खत्म हो गई है, अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट जा रहे हैं नीचे। ये देखो ऐसे जाएंगे नीचे, ठीक है। आज भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम आए थे तब नहीं था। ये जो है यहाँ का, बस ज़्यादा डीप नहीं है पानी, ये देखो स्मूथ हो गया, अब खाली आ गया, कोई गिर गया बीच में ही गिर गया कोई। ओ भाई अब दोबारा से वेव आएगी, ओ अब थोड़ा स्लो हो गया, यहाँ पे ठंड लगने लग जाती है जहाँ पे छाया है।
स्लाइड होके जाते हैं। मैं मेरा एक तो सिंगल है ना, तो इसलिए स्लो स्लो चल रहा है, भारी वाले ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं। बस अब मैं जा गया यहाँ से, भाई बहुत जबरदस्त व्यू था वो पानी। मेरा सिंगल है इसलिए मैं उल्टा ही हो गया, पानी ज्यादा आ गया। बिल्कुल शांत प्लेस पे आ गया, सबको ट्रैफिक को आगे निकाल दिया हमने, कहा हम आराम से जाएंगे वीडियो बनाते हुए। भाई 2 घंटे हो गए इसमें बस कर ही जा रहे हैं, स्विमिंग कर ही जा रहे हैं। अभी 2 मिनट बैठने के लिए आया, मेरे तो कच्चा झूल गया यार ये भी। हम वो कब लेंगे यार स्लाइड, वहाँ पे चलते हैं। अब 3 बार बोल चुका कि अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब फाइनली 2 घंटे बाद निकले हैं। उस बंदे ने बोला क्या था भाई, पहले टावर कर लो भाई, कोई स्लाइड कर लो तब कर लो। भाई मेरे तो यार नाड़ा भी नहीं है कच्चे में भाई, जैसे गिर घुसता था ऐसे नीचे को आ जाता था स्लाइड में, यार उतर ही ना जाए काम खराब हो जाएगा। फर्स्ट स्लाइड करने के लिए जा रहा हूँ नेपच्यून टावर में, यार बैटरी उधर ही वेस्ट कर दी सारी की सारी। चलो ओ तेरी ओ अंधेरा ही आ गया भाई, समझ नहीं आ रहा कहाँ हूँ। शार्क टैंक है ये, ये सारी देखो मछली दिख रही है यहाँ पे, एक और ही मछलियाँ देखो, वो जा रही है शार्क, ये गई शार्क, वो भी शार्क, ओ भाई शार्क है ऊपर भाई साहब, मछलियाँ। अब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर आया भाई। यार एक बार बताऊँ, बहुत भीड़ थी यार, बहुत भीड़ थी दादा, बहुत भीड़ थी करने का दिल ही नहीं करता यार इतनी भीड़ में। अब कोई देखते हैं शांति वाली कोई जगह हो तब करेंगे। वो नेक्स्ट आवर में आ गए हैं, उसमें तो यार बहुत ही बड़ी ज़्यादा लाइन थी, जा नहीं जा रहा था। तो चलो जो जो हो रही है जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं हम एक्टिविटी ना, स्लाइड्स जितनी जल्दी होती है वो करते हैं। भाई अभी हम जा रहे हैं स्लीदरिंग पे, इसमें भीड़ सबसे कम है और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है इसलिए पहले मैंने कहा यही करूँगा, बहुत हाइट पे है ये है ना। वाह यार व्यू अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, तो वो सारा का सारा समंदर है एंड है ये। अब जा रहे हैं स्लीदरिंग करने के लिए, बस देख लेना यहाँ जा रहा हूँ अंदर, ठीक है भाई व्यू देखो यार। पूरी पूरी कमर ही छिल गई यार, बहुत ऊपर से आना नीचे, शिट। अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके 3rd फ्लोर पे, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली स्लाइड। मैं जितनी हाइट पे ना वाली स्लाइड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बंदे कम जा रहे हैं, क्योंकि हाइट बहुत है ना जाते नहीं है, तो मैं वही कर रहा हूँ पहले ऊपर जाके। यार औरों में तो आधा आधा घंटा है यार, कौन करेगा। हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं और वो सामने समंदर है, फील है यार। छोटी छोटी में ना सारे के सारे यार घुसे हुए हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, एक तो 1 घंटा लग गया। मगर ना अब सबसे टॉप वाली पे चलो जहाँ पे 10 मिनट में हो जाएगी। भाई ये भी है एक बहुत हाइट पे जाती है, वहाँ से पानी आता है इकट्ठा, गोली की तरह जाते हैं यहाँ से। ये है भाई स्लाइड, अब जाएंगे इसमें। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनी नहीं, अब आप सबके लिए मैं दोबारा जा रहा हूँ ऊपर दिखाने के लिए भाई।
चलो अब फिर तीसरे फ्लोर पे चढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ पे नहीं बनी थी वीडियो, पकड़ा नहीं जा रहा बोल। अब पकड़ा गया भाई, ये पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। जो सीधा 15-20 फुट गहरे पानी में बहेंगेगी, ये सिर्फ स्विमर्स के लिए ही है, और किसी को नहीं आने देते इसमें। अभी भाई लाइन बहुत लंबी है मेरे पीछे, देखते हैं कितनी देर में आएगा नंबर। मैं सोच रहा था कि बहुत बहुत ही टफ है ये, लेकिन यार ये तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ तो 15-20 फुट पानी में, तो कुछ समझ ही नहीं रहे जो भी बच्चे तो पानी को तो कुछ। चलो दो वीडियो मेरी ना बंद हो चुकी हैं चलती चलती, तो मैंने क्या करना है, चला के छोड़ देना है। नहीं होगी तो नहीं होगी, अब दोबारा अभी आ जाएंगे यार, अब आना पड़ेगा। अपने आप पानी में बंद हो जाता है यार अपने आप कैमरा। स्लाइड है ये, जाएगी सीधी घूम के घूम के घूम के घूम के सीधा पानी में। ओह ये है भाई, इसमें करना पड़ेगा अच्छी तरह से स्विमिंग। खतरनाक वाले में उतर रहे हैं भाई, अब सबसे खतरनाक है क्योंकि जाते ही पानी में फेंक देगा ये। चले क्या हो रहा था माधव, चल भाई। सामने व्यू देखो, बहुत लंबी लाइन है, हम तो नहीं लग रहे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखो कितनी लंबी लाइन है, ये भी होटल है सामने, ये सारी स्लाइड्स हैं, ये वाली थी जो हमने नहीं की अभी भाई। यहाँ तो ना आप जितना करते रहोगे ना थकोगे नहीं, पता है जितना मर्जी करते रहो थक नहीं सकते, हफ्ता भी घूम लो तब भी नहीं खत्म होती राइड। 120 राइड्स हैं टोटल, 120 देख लूँ चल रहा है ना, हाँ चल रहा है भाई, 120 राइड है। हम तो पानी पानी में जा रहे हैं यार, वो राइड्स में तो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है ना, ट्रैफिक जाम, संडे है ना यार इसलिए, वरना बहुत ही बड़ा है यार ये, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हमने इधर वाली की थी जंप, थोड़ी छोटी थी, अब सबसे ज़्यादा हाई वाली करूँगा जंप। फ़ोन मैंने इसको पकड़ा के जाऊँगा, नीचे रिकॉर्डर पर लगा रखा है, इधर से जंप मारूँगा सीधी। जहाँ पे भीड़ नहीं है वहीं पे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक घंटा बचा है हमारे पास बंद होने में, है ना, एक घंटा रह गया। अभी हमने सोचा कि ना बीच पे चलते हैं, लास्ट में एक बीच है यहाँ पे, एक वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी स्लाइड यार ऑलरेडी इतनी फुल है ना, भीड़ लगी हुई है, दो दो घंटे के बाद बारी आएगी तो आप क्या देखोगे, तो आपके एंजॉय के लिए मैंने कहा पहले दिखा दूँ मैं आपको। ये है बीच, अब यहाँ पे भी चलते हैं अंदर जाके, थोड़ी स्विमिंग करते हैं फिर आते हैं बाहर। भाई ये सॉल्ट वाटर है, तो चलो अभी एक दो डुबकी लगा लेते हैं नीचे जाके, फिर चलते हैं यहाँ से। अंदर जाके ना हवा में रहते हैं ना, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि थके पड़े हैं ना अभी, बहुत अच्छा लगता है। दोबारा जा रहा हूँ, आंखें नहीं खोलूंगा, हरा पानी है। भाई निकल रहा हूँ अब यहाँ से, यहाँ पे भी बहुत नहा लिया धो लिया, बस निकलते हैं अब, जो राइड मिलेगी ना वो भाई 120 राइड है, कितनी ली जाए बस जो मिलेगी वो लेके बस निकलते हैं अब यहाँ से, बस जल्दी दौड़ दौड़ लेते हैं जितनी जल्दी हो सके, वो तो मिलेगी ना। गुबड़ी में खारा पानी है, समंदर में गए थे, एक डुबकी मारते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, चाहे क्लोरीन वाला पानी है लेकिन साफ तो हो जाएगा ना यार, नमक वाला पानी। मेरी तो सॉक्स में खड्डा हो गया, देखो कितना बड़ा। डॉल्फिन्स हैं वो भी है, इंट्रैक्शन करवाते हैं, दिख रही है डॉल्फिन, कहाँ गए डॉल्फिन, बोरी बोरी।
भाई अब ना ठंड लगने लगी है, बहुत टाइम से ना कोई राइड नहीं की तो ठंड सी लग रही है। अब ये राइड कर रहे हैं हम। चलो भाई अब यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से आएंगे नीचे। आहो भाई डुमे लगे नीचे, नीचे लगे डुमे। यार ये तो मजेदार है भाई, ये तो मजेदार है भाई। ओ भाई आगे डूब जाती हुई, इन्होंने गाने चला रखे, कॉपीराइट आएगा मेरा। इन मछलियों के बीच में से निकले थे हम, ये रही मछलियां, इनमें से निकले थे भाई। मैं तो यहाँ बैठा हूँ अभी, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या वो है, ये करना है स्विंग वाली, देखो अभी क्या होता है। वेटिंग है, आधे घंटे से बैठा हूँ यार। ये वाली करनी थी, ये जो है स्लाइड, बट वो कह रहे माला उतारनी पड़ेगी, ये मेटल है, मेटल उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा रहने दो, नहीं कर सकता, लेकिन एक घंटा वेस्ट हो गया यहाँ पे, पहले ही पूछ लेता मैं। कह रहे उतार के जाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, ये है तो हम हैं, मैं उतार नहीं सकता, मैंने कहा सॉरी। चलो ओ एक्सक्यूज मी, चलो निकलते हैं भाई, बहुत हो गया, इंजॉय तो काफ़ी कर लिया। वैसे ये मैंने लास्ट टाइम भी नहीं की थी, इसलिए मेरी मेरा दिल था कि मैं कर लूँगी, लेकिन यार माला उतार के नहीं ना कर सकता। अब हम जा रहे हैं क्लोरीन वाला पानी हटाने के लिए, काफ़ी क्लोरीन लगी हुई है बॉडी पे। पहले तो समंदर वाला पानी हटाया था, अब क्लोरीन वाले पानी में एक बार शावर ले लेते हैं। ठंडा पानी है भाई शावर वाला बिल्कुल। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. अब निकल रहे हैं यहाँ से। एक्चुअली ऑलमोस्ट हम सारी नहीं कर पाए जितनी थी राइड, यार 120 थी, 120 तो कोई भी ना कर रहा है, हफ्ते में भी ना पूरी हो। और ऊपर से यार आज रश बहुत ज़्यादा था, तो बस जितनी हो सकी हमने की, ग्रुप वाली तो बिल्कुल ही नहीं की, सिंगल सिंगल जितनी थी की। और डाइव तो भाई पता नहीं कितनी लगाई हैं पानी में, मेरे को लगता है 7-8 तो मैंने गिनी हैं, खुद लगाई हैं, और रिकॉर्ड मेरे ख्याल से 4-5 की हैं। और जो मैं स्लाइड करके आ रहा था वो 3-4 तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसके चक्कर में 2-3 बार और गया। बहुत अच्छा है, मज़ा आता है यार बहुत यहाँ पे आके। तो चलो शावर भी ले लिया अब, क्योंकि वहाँ पे जाके ना इजी हो जाएगा, सीधा कपड़े पहनेंगे और निकल जाएंगे। तो चलो बस हम निकलते हैं, लेकिन मेरा दिल है बर्गर खाने का। कुछ नहीं खाया मैंने, मैं जान के नहीं कुछ भी खा के आया था, मुझे पता था यार अगर कुछ खा के आता है ना यहाँ पे पानी में वैसे ही ब्लोट सा मारता रहता है अंदर, तो इसलिए मैं कुछ नहीं खा के आया था, जूस ही पिया था मैंने। अब जाके बर्गर फ्राइज सब पाड़ देनी है। ऑलमोस्ट सारे ही जा रहे हैं अब A to Z इतने, क्योंकि टाइम हो गया ना, चेंज कर लिए हैं, लेकिन ऊपर का सूखा सूखा है, नीचे वाला नहीं गया, नीचे का गीला गीला है, तो गाड़ी में कर लूँगा चेंज। करने के बाद बाहर आके वहीं बर्गर के वाले के पास बैठे हैं। अब यार सिर में ऐसे बज रहा है, धूम धूम, कान में पानी चला जा चुका है, नाक में पानी, कान में पानी, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। बर्गर ऑर्डर कर दिया था, खा के बस फिर निकलते हैं यहाँ से। बस में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, यहाँ पे आके तो ना सुस्ती भी बढ़ गई, नींद आ रही है, यहीं पर सो जाऊँ ऐसा लग रहा है। चलो मिलता हूँ खाने के बाद। बस निकल रहे हैं अब यहाँ से, और अभी भी ना बंदे निकली जा रहे हैं अंदर से, ऐसे बोल रहे 5:30 बंद कर देते हैं। मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को लगता लेट ही करते होंगे ये बंद। कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल नहीं था इसलिए साथ में उठा ली, बर्गर वगैरह खा लिया है, और अब शरीर टूटा हुआ है यार, मतलब बुरा ही हाल हो रखा है। चलो बस निकलते हैं यहाँ से। यार आज सीन हो गया था, बस तगड़ा ही सीन हो गया था। ये तो राधा माधव ने बचा लिया, उन्होंने कहा बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए हमारा, बचा लिया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना पीछे तक आधे वहाँ तक पहुँचा था, आधे घंटे की रोड तक पहुँचा, सीधी रोड काफ़ी लंबी है ये। अभी यहाँ पे आ रखे हैं आई लव दुबई शिप के पास, मैं दिखा बताता हूँ इसकी बात भी, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ पहले हुआ क्या। हाँ मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली मेरे हाथ में था ये वाला फ़ोन, मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो जो मेरा फ़ोन था वो मैंने लॉकर में रख दिया था। और जब मैं अपने चप्पल कपड़े लेने गया तो मैंने फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ एक मेरा टॉवल भी था, मैं ऐसे ही लेके आ गया, और बस फिर क्या था फ़ोन वहीं पे रह गया। और मैं पहुंचा आधी रोड पे, उस
मॉल से निकल के, मॉल मतलब जो भी है वो, मतलब आधे घंटे के रास्ते पे पहुंच गया हूँगा मैं। मेरे को याद आया यार, मैंने पूरा दिन हो गया मम्मी को फ़ोन नहीं किया। मैं एक्चुअली सुबह उठते ही मम्मी को फ़ोन करता हूँ चाहे कहीं भी हूँ, और जैसे ही फ्री होता हूँ शाम को ही मम्मी को फ़ोन करता हूँ। तो मैंने कहा मम्मी को फ़ोन नहीं किया, मम्मी को कॉल करता हूँ। मैंने देखा, मैं कहा भाई फ़ोन कहाँ है? तो यार मेरी सिट्टी विट्टी गुल, मैं क्या तेरी भाई वीडियो वीडियो तो दिमाग में नहीं रहा। गाड़ी यू टर्न भगाई सीधी मॉल के पास, वही होटल के बाहर। मैं दौड़ा अंदर, कह रहे क्लोज क्लोज हो चुका है, क्लोज दिखा दूंगा मैं, पूरी वीडियो डाल दूंगा हुआ क्या था। तो मैंने कहा भाई अब देख लो, कह रहे अभी तक किसी ने सफाई नहीं की है, सफाई कर रहे हैं, अब जाके देख लो, हमने कुछ नहीं छिड़ा। मेरा लॉकर नंबर था 135। जैसे ही मैं लॉकर के अंदर पहुंचा, फ़ोन पड़ा था यार ऊपर वाले की कृपया राधा माधव की, कि मिल गया फ़ोन। बाकी मैं पूरी वीडियो डाल दूंगा, देख लेना आप। बाकी मैं इधर का बताता हूँ, अभी हम उधर से सीधी रोड जाके यहाँ पे आए हैं। ये शिप, ये आपने शिप देखी होगी कल वाली वीडियो में, कल या परसों वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने पैरासीलिंग की थी, ये वाली शिप खड़ी थी, ये वही शिप है यार। कितनी अच्छी लग रही है ना। और इसके घर हमारा बिल्कुल पास में ही है, लेकिन यहाँ से गाड़ी नहीं क्रॉस हो सकती, इसलिए अब एक डेढ़ घंटे के रास्ते में हमें रास्ता लेके जाना पड़ेगा, फिर हम पहुँचेंगे अपने घर, वरना यहाँ से तो बिल्कुल पास है घर हमारा। तो चलो यार आज का दिन तो निकल गया, जो भी है थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर निकलते हैं। और आज वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, कल ही वीडियो एडिट होगी, क्योंकि शरीर इतना ज़्यादा थक चुका है ना, सुबह ही देखेंगे। लहरों का मज़ा लेते हैं थोड़ी देर, शिप को देखते हैं, बोट जा रही है, इंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। बने रहना, अभी कुछ दिन और हूँ मैं, जो जो चीज़ें नई मैंने देखी वो मैं आपको भी दिखा दूँगा, खुद भी देख लूँगा। लेकिन आज तो लकीली यार बढ़िया ही हो गया, लेकिन मैंने ये देख लिया मेरे ना इस फ़ोन पे ना ग्रह आ रखा है, मैं अब ये फ़ोन रखूँगा नहीं। इशारा भी आ रहा है ऊपर वाले का कि रख मत, तीसरा चौथा चांस है ये, अब नहीं रखूँगा मैं, अब ये जाएगा फ़ोन, मैं दूसरा ही लेता हूँ, फाइनल हो गया ये। अरे पंगा पड़ गया यार, एक मैं ना एक्चुअली वीडियो इस फ़ोन से बना रहा था, मेरा फ़ोन वहीं रह गया, और हम बहुत दूर तक निकल चुके थे, मैं वापस आया हूँ अब इसमें, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता फ़ोन। एक्सक्यूज मी सर, आई फॉरगॉट माय फोन इन द लॉकर 135। यू चेक फ्रॉम द लॉकर बिकॉज लॉकर। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि चेक करो लॉकर में जाके कि हमने तो को किया नहीं, कह रहे अभी तक कोई नहीं किया, आप जाके चेक कर लो। मैं कहा ठीक है जाके देखता हूँ, जा रहा हूँ भाई। ये रहा भाई, ये बड़ा फोन, चलो मिल गया। थैंक यू राधा माधव जी, ऊपर वाले भरोसे है। थैंक यू, मिल गया भाई, खुशी होती है यार, बहुत दूर चले गए थे हम तो आए हैं। या थैंक यू, चलो अब सीधा घर चलते हैं, थोड़ी टेंशन हो गई थी यार। Time is barely on our side.